हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त पीर मुजफ्फर, जेके न्यूज़ पॉइंट से आपके आपके जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत खैर मकदम। बिल्कुल, इस वक्त हम आपको मौसम के हवाले से जानकारी दे रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट क्या है। बिल्कुल, ये जो आप ये दृश्य देख रहे हैं, ये अच्छा बल अनंतनाग है, जनूबी कश्मीर का एक खूबसूरत मुकाम, जहाँ पर आप इस वक्त बर्फबारी का ये नज़ारा देख रहे हैं। तो इसी तरह अगर हम बाकी इलाकों की बात करें, चाहे कोकरनाग हो, शांगस हो, डोरोवेरी नाग हो, हर जगह से इस वक्त बर्फबारी हो रही है, बारिशों का भी सिलसिला जारी है। तो उम्मीद है कि आप भी जुड़ते रहेंगे, अपने अपने इलाके के हवाले से अपडेट करेंगे कि कहाँ से आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और किस जगह से इस वक्त चाहे बर्फबारी हो रही है या बारिशों का सिलसिला जारी है। वहीं अगर हम बात करें, एक तरफ तो बर्फबारी और दूसरी तरफ जो लोगों को रोज़मर्रा के मसाइल दरपेश है, उनकी तरफ भी एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए। बिल्कुल, रोड की अगर हालत की बात करें, कई इलाकों से इस वक्त लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वहाँ पे बर्फ नहीं हटाया गया है। इसी तरह बिजली की भी सूरत हाल जो कि तो है। अच्छा बल में अगर यहाँ की बात करें, देर रात से यहाँ पे भी बिजली गायब है। इसी तरह बाकी इलाकों जहाँ से लोगों ने फ़ोन कॉल की है कि यहाँ पे भी बिजली के साथ साथ पीने का पानी या जो अभर मरूर के हवाले से मुश्किल वो तो लोगों को दरपेश है। बिल्कुल, जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं, हमारे बेल विशर्स हैं। तो उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत होंगे, अपने अपने इलाके का अपडेट आप इस वक्त हमारे साथ कर रहे हैं। हैदर बेग पट्टन 23 इंच लिख रहा है भाई जान। सोफी इशफाक, हाय सोफी इशफाक। मुनीर खान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डियर। बिल्कुल, फिर से मैं बता दूं आपको, जो महकमे मौसमियात ने प्रेडिक्ट किया था कि दो दिनों के अंदर अंदर यानी 22 और 23 से मौसम में फिर एक बार तब्दीली देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल मौसम ने करवट बदली है और यहाँ पर इस वक्त अगर हम अच्छा बल की बात करें, कुकरना की बात करें, शांगस की, डोरू की, वरीन, जहाँ भी हमें इस वक्त फ़ोन कॉल्स मौसूल हो रहे हैं, वहाँ से इस वक्त बिल्कुल बर्फबारी हो रही है। सड़कों से बिल्कुल ट्रैफिक भी गायब है, लेकिन अभी अभी हमारी बात हुई है महकमे आर एंड बी के जिम्मेदारान से, उनका कहना है कि जो सोलर क्लियरेंस प्रोसेस वो हमने शुरू की है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो बर्फबारी का सिलसिला है, जो ही इसमें कुछ रुकावट आ जाएगी, ये थम जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे जो स्नोकल उसके प्रोसेस को जल्द से जल्द ठीक करें। गुलजार अहमद फ्राम टंगन गांदरबल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फयाज अहमद गांदरबल 6 इंच। चौधरी परवेज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फिर से मैं बता दूँ, जो हमारे व्यूवर्स है, आप इस वक्त ये खूबसूरत दृश्य अच्छा बल अनंतनाग जो जनूबी कश्मीर का खूबसूरत मुकाम, वहाँ से आप इस वक्त देख रहे हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। बिल्कुल कोशिश है हमारी जेके न्यूज़ पॉइंट की कि आप तक हम पल पल हर अपडेट पहुँचाएँ, चाहे वो मौसम के हवाले से हो, चाहे वो नेशनल हाईवे के हवाले से हो। बिल्कुल, नेशनल हाईवे भी बिल्कुल आज जो यातायात थी वो उसमें भी बाधा पड़ी है, उसको भी बंद किया गया है। दर्दपुरा या 4.12 इंच, हर जगह से इस वक्त हमारे साथ व्यूवर जुड़ रहे हैं। तो उनका ये कहना है कि हर जगह से इस वक्त बर्फबारी हो रही है। तो बिल्कुल नाज़रीन मोहतरम, ये था मौसम के हवाले से अपडेट। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब वक्त आफियत होंगे। तो अल्लाह करे जो आज का ये दिन ये हमारे लिए अच्छी तरह गुजर जाए और रब्बुल आलमीन हमें अपने हिफ्ज अमान में रखे। तो अपने दुआ में हमें रखिएगा। दीजिए अपने मेज़बान पीर मुजफ्फर और मेरे कैमरा मैन तारिक अहमद को इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।